You are in the middle of a deserted island. But suddenly, you read a one phrase or hear somewhere, and this will appear in front of you like Indian signs. And you have to follow that. Or a person will guide you. Good evening to everyone. My name is Anmol, and I am a student of aviation industry. Well, firstly, I would like to tell you about my course, that is DHPM. It's not just aviation. What comes to your mind when you heard this word, aviation? Aviation, it's not just a single word, it includes so many things. Aviation implies in every country you can get a job you desire or live a luxurious life without any burden. Aviation is known as cabin crew. You all are aware of cabin crew. What is cabin crew? You know? You don't know. Okay, am I audible to backside? क्या आप लोगों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज़ पीछे? केबिन क्रू तो एक फ्लाइट स्टूअर्ट या एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए आपके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? खूबियाँ कुछ नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू परफॉर्म एज एन इंडिविजुअल. शेयर आई कॉन्टैक्ट. हाउ कैन डू दैट? हाउ कैन यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस? पहले आप सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट कीजिए, देन सब अपने आप हो जाएगा. अभी मैं आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है जैसा कि सर ने बताया. बट फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अशोक अज्ञानी जी. सर, आई एम रियली रियली प्रिविलेज दैट यू हैव गिवन मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू. आई एम रियली वेरी प्रिविलेज टू शेयर माई एक्सपीरियंस. Become a cabin crew, it's much harder than doing any other course, I guess. We have 14 modules over this. Likewise, we have subjects to read. And this is for students, all the students sitting here. Subjects जो आप लोग पढ़ते हैं, main आपको क्या लगता है कि आपका motive क्या है? आपको क्या आगे जाना है? You would, someone would like to become a doctor, engineer, etc., etc. Why I have chosen this industry? I have a keen interest in languages, and in our religion, people might think that हम तो छोटी society से हैं, तो अपनी caste को छुपा जाते हैं. तो ये चीज काफी गलत है. मैंने आज तक अपनी caste कभी छुपाई नहीं कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ. I am very proud of being a part of this society. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आप लोगों को ये बात आपके माइंड तक पहुंचा सकूं, क्योंकि सब हम क्या करते हैं, छुपा जाते हैं. क्यों छुपाना है? किसने छुपाना है? लोग हमसे इस टाइम डरे हुए हैं कि ये लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. नेवर हाइड योर सेल्फ, शो योर सेल्फ. ऐसा सोचो कि दुनिया बेवकूफ़ है. आप अपने आप को उन लाखों में से मत गिनो, उस लाखों में से आप एक बनकर दिखाओ. जब तक आपकी सोच आप खुद के लिए नहीं डेवलप करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. वर्ल्ड इज नॉट इनफ ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ बाई गेटिंग सो मच पॉजिटिव एनर्जी इन योर सेल्फ. और एविएशन के बारे में मैं अगर आपको डीपली बताऊंगी तो इट विल टेक एन आवर और मोर, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ. एविएशन मेनली एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी लाइफ दे भी सकते हो. कैसे? अपने आप को डेवलप करके. एविएशन में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा कि फर्स्ट हाउ यू हैव टू स्पीक, हाउ यू हैव टू सिट इन पब्लिक, एंड हाउ यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल. ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स कुछ होते हैं वहाँ के जो हम लोग को फॉलो करने होते हैं. ऐसा बोला जाता है कि इतना मेकअप क्यों किया? मेकअप नहीं है भाई, वो इट्स नॉट मेकअप. इट्स हैव टू बी देयर ऑन योर फेस. यू डू नॉट हैव टू लुक शैबी और ग्लिटी. यू गेट माय वर्ड्स, राइट? यू जस्ट हैव टू लुक गुड. देयर आर सम ग्रूमिंग स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू मेंटेन. अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने 1.5 लाख कर दिया, तो ओह माय गॉड, वी हैव पेड सो मच बॉम्ब साइज ऑफ मनी. वी कुड बी दिस. हाउ वी कुड गेट अ जॉब? इट्स अप टू यू. यू हैव टू अपील फॉर द जॉब, राइट? आपको
अपने आप को तैयार करना है, उस जॉब के लायक अपने आप को खुद बनाना है। ऐसे तो 1.5 लाख देकर कोई भी बन जाएगा, 2 लाख भर दिए भाई, 3 लाख भर दिए। दे आर नॉट सर्चिंग फॉर प्रिटी फेस। क्लियर एंड शॉर्ट सिंपल आंसर टू दैट क्वेश्चन, दे आर नॉट सर्चिंग फॉर प्रिटी फेस। आपको वो सिर्फ देखते कि कितने मॉडेस्ट आप हो, आपका बात करने का तरीका क्या है, आप कस्टमर के साथ कैसे डील करते हो। सो बैक टू द पॉइंट, एविएशन के साथ साथ मेरा कोर्स, जैसा मैंने आपको ब्रीफ किया, AHTM, दैट इज एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ऑल थ्री आर सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर। तो मेनली क्या चाहिए इसमें, वी गो थ्रू मॉड्यूल, फिडेलियो, गैलिलियो, एमेटिस, वी नो अबाउट देम। सो वी गो थ्रू एवरी मॉड्यूल, स्विमिंग इज देयर एज वेल। What is there? We need to focus. Just focus. And if you want to become anything, like you guys have explained very well that I want to do such thing, that I want to pursue this thing, that, go pursue that. Never leave your hobbies aside. Take them. ये industry मैंने इसलिए join की कि मुझे अपने आप को develop करना था कहीं ना कहीं। And I'm pursuing my graduation as well from SOLDU, that is School of Open Learning. And I'm pursuing English Honors. Day after tomorrow is my exam as well. But I'm here to just give you a small criteria of knowledge about that same course that I'm pursuing. My experience is in their Franklin Institute. I am a student of Franklin Institute of Air Hostess Training. And my hobbies are not that like I have kept them aside. I'm taking it, just go with the flow. Why should I keep my hobbies aside while I can take them right now? So never leave yourself behind. Pull yourself forward as much as you can. This is my last phrase to you all, because we do not have that much time. And in hospitality, what comes to your mind? What is hospitality? People used to say ki, क्या है आप नौकर बन जाओगे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा तो हमारी पास वालों को भी बोला जाता है कि ये लोग तो सफाई करते हैं। अरे भाई, आपकी अगर एनसीडी की स्ट्राइक हो जाती है तो लोग दे आर लिटरली अबाउट टू क्राई दैट ओ माय गॉड, एनसीडी इज ऑन स्ट्राइक, देयर इज लॉट ऑफ बिगर थिंग्स आउटसाइड। ऐसा नहीं है, हमें एक चीज़ यही सिखाई जाती है कि वी आर सर्विंग देम बट वी आर नॉट देयर सर्वेंट्स, राइट। Serve them, but do not think that you are servants of them. We are not servants. We are getting paid because we are giving you services, and you have to understand that people will guide you very badly. Likewise, I was guided badly at some point, but still, I never listen to them. I listen to everybody, but follow my own rules. So I will suggest you to follow yourself. Just be yourself and focus on what you believe to achieve. और मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों से अपील ये करूँगी कि English is a must. No matter which industry you are aiming for, English is must. You have to achieve that by developing your English skills. As all the teachers here have explained very well, हमारी जितनी भी लेवल है वो बाहर की कंट्रीज में है, सर ने भी ऐसा बताया है। And we all of us are aware, still we are like, no, we have to go abroad and work. They will be giving us bomb size of money and salary packages. No, it's not like that. We have spent a full cost on you and you are serving other countries. What is that behavior? Doesn't feel like you are having a good thing? No, it isn't. Just think about it. I myself think that you should work for your own domestic country. That would be great. As you can travel the world, but still you should work for your domestic country. Now I have a question in my mind for all of you students, that I am giving you a question and you just have, sorry but we have lack of time, you know. So you have just 2 minutes to solve it. I'm giving you name of some animals and you have to arrange them in order to yourself.
as you like. Just write them. Tiger. Pig. Horse. Cow. And a sheep. Done. I'll be tiger. Horse. Cow. Pig. And sheep. No matter what is it in order. Things by your, according to your